शादी एक ऐसा समय होता है जिसके बाद एक लड़की की आने वाली जिंदगी पर उसके पति और ससुराल वालों का भी हक होता है, और इसी वजह से शादी को लेकर कई लड़कियां नर्वस हो जाती हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगती है कि पता नहीं उसका आगे का जीवन कैसा होगा। लेकिन इसी घबराहट के साथ साथ शादी को लेकर एक लड़की के दिल में कहीं ना कहीं एक खुशी भी होती है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए शादी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है, और इसी खास दिन के लिए लड़कियां महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं कि अपनी शादी वाले दिन वो कौन से कलर का लहंगा पहनेंगी और उस लहंगे के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी और कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी। ये सारा ट्रायल तो बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, और यह सब तैयारियां करते वक्त एक लड़की के चेहरे पर अपनी शादी की खुशी साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन एक दुल्हन के लिए ये खुशी दुगनी हो जाती है जब उसे शादी के लिए तैयार करने वाली उसकी अपनी माँ ही हो। ऐसी ही खुशी आज पायल के चेहरे पर भी साफ छलक रही थी, क्योंकि पायल को शादी के लिए उसकी माँ ही तैयार करने वाली थी। पायल ने अपनी शादी के लिए मरून कलर का लहंगा पसंद किया था, क्योंकि पायल की माँ को उसके लिए मरून कलर का लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आया था, जबकि पायल को गोल्डन कलर का लहंगा पसंद आया था, और आजकल तो फैशन भी गोल्डन रंग के लहंगे का ही चल रहा था। सेलिब्रिटी से लेकर आम लड़कियों तक आजकल जिस किसी भी लड़की के शादी के फोटो दिखते थे, सबने गोल्डन कलर का लहंगा ही पहना हुआ था। लेकिन पायल को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था कि उसकी माँ उसके लिए जो भी लहंगा पसंद करेंगी, पायल उसमें बेहद खूबसूरत ही लगेगी। पायल का रंग तो पहले से ही काफी गोरा था, लेकिन फिर भी शादी से एक महीने पहले ही पायल की माँ ने पायल के लिए एक फेस पैक तैयार किया था और पायल की छोटी बहनों को ये काम सौंपा था कि वो दोनों हर रोज पायल को यह फेस पैक लगाया करें। अब तो पायल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, और जो कोई भी उसे देखता था उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। पायल अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि पायल ने अपने होने वाले पति वैभव की तस्वीर देख रखी थी और वैभव दिखने में बहुत ही हैंडसम था। पायल की शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन पायल की शादी में सिर्फ कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। साथ ही साथ पायल की कुछ सहेलियां भी थी और आस पड़ोस की कुछ औरतें भी थी। जब से पायल के पापा का देहांत हुआ था, तब से ही पायल की माँ को भीड़ भाड़ से डर लगने लगा था, बस इसीलिए उन्होंने कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। जब पायल के ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी कह दिया कि हमारी तरफ से भी कुछ खास मेहमान ही आएंगे और बारात बहुत बड़ी नहीं आएगी। शादी के अवसर पर पायल की माँ अपने पति को याद करके बार बार रो पड़ती थी और सबसे बस एक ही बात कहती थी कि अगर आज पायल के पापा हमारे बीच जिंदा होते तो मुझे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पायल हर वक्त अपनी माँ को तसल्ली देती रहती थी, क्योंकि पायल की माँ ने पायल और उसकी बहनों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया था और उन्हें कभी भी उनके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पायल की माँ छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी, और जब उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उन्होंने अपना पार्लर का काम फिर से शुरू कर दिया था, और फिर भगवान पर भरोसा रखते हुए उन्होंने कुछ मेकअप का सामान खरीदा और अपने घर के ही कमरे में एक छोटा सा पार्लर चलाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही समय में भगवान ने पायल की माँ को उनकी मेहनत का फल दे दिया था, क्योंकि पायल की माँ का काम इतना अच्छा होता था कि दूर दूर से कई लड़कियाँ शादियों में जाने के लिए तैयार होने के लिए पायल की माँ के पास आने लगी थी। पायल ने अपनी माँ से कहा था कि वो भी उनके ही हाथों से तैयार होना चाहती है, और पायल की माँ ने भी खुशी खुशी पायल की बात मान ली थी। मेहंदी की पूरी रात पायल सो नहीं पाई थी, क्योंकि जहाँ पायल अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी, तो वहीं उसे कई चिंताओं ने भी घेरे रखा था।
और इसी वजह से पायल ने वो पूरी रात भगवान से प्रार्थना करते हुए बिताई थी। सुबह होने में अभी तो कुछ घंटे बाकी थे कि तभी पायल के मंगेतर वैभव का नाम पायल के मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगा। अचानक से आए इस कॉल ने पायल को चौंका दिया था, क्योंकि इससे पहले वैभव ने कभी भी पायल को इतनी देर रात को कॉल नहीं किया था। लेकिन वैभव का फोन आने से पायल को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए पायल ने जल्दी से फोन उठा लिया। वैभव ने बहुत ही भावुक अंदाज में पायल से कहा, पायल मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए फोन किया है, क्योंकि कल तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है और तुम मिस पायल से मिसेज वैभव बनने जा रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे दूं। वैभव की बातें सुनकर पायल हंसने लगी और उसके बाद कुछ देर तक वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और फिर वैभव ने फोन काट दिया। जब सुबह हुई तो पायल की छोटी बहनें एक एक करके पायल से लिपट कर रोने लगी और पायल की माँ ने भी आज उसे खूब प्यार किया था। और फिर जब बारात आने का समय हुआ तो पायल की माँ जल्दी जल्दी पायल को तैयार करने बैठ गई थी। पायल की माँ ने आज अपना सबसे अच्छा और महंगा मेकअप निकाला और उन्होंने पायल को दुल्हन बनाने में कई घंटे लगा दिए थे। जब पायल पूरी तरह से तैयार हो गई तो पायल की माँ ने पायल से बुरी नजर हटा दी और पायल के नाम पर कुछ रुपए गरीबों में भी बांट दिए थे। और फिर उन्होंने जल्दी से पायल के चेहरे पर घूंघट गिरा दिया और कहने लगी, पायल बेटा तुझे मेरी कसम है, आज तू अपना घूंघट मत उठाना और खुद भी अपना चेहरा मत देखना। तुम्हारी छोटी बहनें या तुम्हारी सहेलियां चाहे कितनी भी विनती कर लें या फिर चाहे तुम्हारी सासी तुम्हें हुक्म क्यों ना दे, लेकिन तुम्हारा घूंघट नहीं हटना चाहिए। तुम्हारा ये घूंघट सिर्फ तुम्हारा पति ही हटाए, इस बात का खास ख्याल रखना। अपनी माँ की बात सुनकर पायल थोड़ा हैरान हो गई और कहने लगी, लेकिन माँ अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों की ऐसे बड़े बड़े घूंघट में शादियाँ होती थी। अब तो दुल्हन अपनी शादी में नाचती भी है और गाती भी है, ऐसे में अगर मैं घूंघट डालकर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब पायल की माँ ने कहा कि पूरी जिंदगी दुख झेलना पड़े, इससे तो एक दिन का मजाक अच्छा है, कम से कम तुझे बुरी नजर तो नहीं लगेगी। मैंने भी अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी और देख मेरे साथ साथ मेरी जिंदगी को भी नजर लग गई और शादी के कुछ सालों बाद ही तेरे पापा की मौत हो गई। ये कहते हुए पायल की माँ रोने लगी और पायल की माँ के आंसू पायल की कमजोरी थे, जिसके आगे पायल अपनी हार मान लेती थी। पायल ने अपनी माँ से कहा, प्लीज आप रोए मत माँ, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं अपना ये घूंघट किसी के सामने नहीं हटने दूंगी और न ही मैं खुद अपने आप को देखूंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ माँ कि सबसे पहले मेरा चेहरा सिर्फ और सिर्फ वैभव ही देखेगा। पायल की ये बातें सुनकर पायल की माँ खुश हो गई, लेकिन पायल ने खुद को ये बात समझाने के लिए एक घंटा लगा दिया था, क्योंकि पायल का बहुत दिल कर रहा था कि वो खुद को दुल्हन के रूप में देखे। पायल ने सोचा, माँ को कम से कम मुझे तो अपना चेहरा देखने देना चाहिए था ना, मैं थोड़ी ना खुद को नजर लगा लेती। लेकिन पायल अपनी माँ के आंसू देखकर बेबस हो चुकी थी, क्योंकि पायल की माँ ने उसे भी मना कर दिया था कि वो खुद भी अपने आप को नहीं देखेगी। खैर फिर तो पायल की बारात आ गई तो पायल का ध्यान उसी ओर चला गया था। पायल अब भगवान से अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही थी और साथ ही उस समय का इंतजार भी कर रही थी कि कब उसे मंडप में बुलाया जाएगा। थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए और फिर शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। शादी की सारी रस्में बहुत ही खुशी खुशी संपन्न हुई और फिर दुल्हा दुल्हन को तस्वीर खिंचवाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। तब पायल को पता चला कि उसकी माँ ने उसे उसके दूल्हे के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवाने के लिए भी मना कर दिया है। पायल को अपनी माँ की इस सोच पर बहुत दुख हुआ था और उसका दिल तो किया कि वो अपना सिर ही फोड़ दे। पता नहीं पायल की माँ क्यों इतनी डरी हुई थी,
अगर पायल स्टेज पर जाकर अपने पति के साथ एक दो फोटो खींचवा लेती तो क्या ही नुकसान हो जाता। शादी के ये पल तो हमेशा यादगार होते हैं, जिन्हें तस्वीरों में कैद किया जाता है। और एक लड़की अपनी शादी में इसी पल के लिए ही तो इतना सजती सवरती है, ताकि वो इन पलों को तस्वीर में कैद करके जीवन भर अपने पास अपने साथ रख सके। क्योंकि एक लड़की के लिए शादी यह एक ही दिन ऐसा होता है जब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है, मगर पायल की माने तो पायल से उसकी यह खुशी भी छीन ली थी। लेकिन अब पायल कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। विदाई से पहले पायल की माँ ने पायल की सास को भी कह दिया था कि हमारे यहाँ शादी के पहले दिन दुल्हन का घूंघट किसी और के हाथों उठाना अशुभ माना जाता है। शादी की पहली रात दुल्हन का घूंघट सबसे पहले उसका दूल्हा ही उठाता है, इसलिए आप भी पायल का घूंघट वैभव से ही हटवाना। पायल की सास ने भी पायल की माँ की बात मान ली थी और फिर एक दो रस्में निभाने के बाद पायल की सास ने उसे वैभव के कमरे में बैठा दिया था। पायल आज बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी वो बड़ा सा घूंघट निकाले वैभव के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वैभव कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वैभव पायल के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, पायल आज तुम्हारा साथ पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लाया हूँ जो तुम्हारी तरह ही बहुत खूबसूरत और अनोखा है। ये कहते हुए वैभव ने पायल का घूंघट उठाया और एक हीरे की अंगूठी पायल के सामने रख दी। पायल ने भी नजर उठाकर वैभव की तरफ देखा, लेकिन वो वैभव के चेहरे के हाव भाव देखकर हैरान रह गई थी। क्योंकि जिस खुशी से वैभव चहकता हुआ अंदर आया था और जिस उत्साह से उसने पायल का घूंघट हटाया था, वो खुशी और उत्साह अब वैभव के चेहरे से गायब थे। वैभव के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी और उसकी आंखों में उभरने वाले प्यार के जज्बात भी अब धीरे धीरे बुझने लगे थे। अब वैभव की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही था और ये देखकर तो पायल हैरत से वैभव को देखती ही रह गई थी। और फिर वैभव ने अचानक ही पायल का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे खींचकर बाहर ले गया और कहने लगा, देखो माँ, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अप्सरा जैसी लड़की की फोटो दिखाकर मेरी शादी इस चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की से करवा दी गई है। पायल की शक्ल देखकर तो पायल की सास भी हैरान रह गई थी और उन्होंने भी हाय राम ये कहते हुए अपना सिर पीटना शुरू कर दिया था। पायल की सास ने कहा, मेरा इकलौता बेटा है और ये कैसी बदसूरत सी शक्ल बांध दी है उन्होंने मेरे बेटे के गले में। मुझे तो बहुत ही सुंदर लड़की की फोटो दिखाई गई थी, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही बदसूरत है और मैं ऐसी काली और बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। वैभव भी गुस्से से पागल हो रहा था और पायल हैरान परेशान होकर अपनी जगह पर खड़ी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। पायल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग पायल को इतना बदसूरत क्यों कह रहे थे, क्योंकि पायल तो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि जो भी पायल को एक बार देख लेता वो पायल से नजरें हटाना ही भूल जाता था। वैभव गुस्से में चिल्लाने लगा और कहने लगा, माँ इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन धोखेबाज लोगों से कैसे निपटना है। ये लोग समझते हैं कि एक खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाकर वो हमारे पल्ले ऐसी बदसूरत लड़की बांध देंगे और हम चुपचाप अपना तमाशा बनते देखते रहेंगे। और फिर वैभव पायल की तरफ देखकर कहने लगा, तू क्या समझती है कि एक बार शादी हो गई तो इस धोखे की नींव पर तू अपना घर बसा लेगी, लेकिन अगर तू ऐसा सोचती है तो मेरा जवाब भी सुन ले, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी जिंदगी में तो बहुत दूर की बात है, तुझे तो इस घर में भी कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। वैभव की यह बात सुनकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बहुत डरते हुए कहा, लेकिन वैभव कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है।
तब वैभव ने कहा, पायल, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और अब तुम एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैंने अपने दिल में जगह दी थी और जिसे मैं अपनी पत्नी बनाने का सपना देखता था। पायल रोते हुए वैभव को समझाती रही, वैभव प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन वैभव ने पायल की एक नहीं सुनी और वो पायल को घसीटते हुए बाहर अपनी गाड़ी तक ले गया और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर के सामने छोड़कर चला गया। पायल रोती हुई अपने घर में दाखिल हुई, लेकिन शादी की भागदौड़ के कारण घर के सभी लोग थके हुए थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पायल का मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी अपनी माँ से लिपट कर इतनी जोर जोर से रोए कि पूरा आसमान उसकी चीखों से हिल जाए। दिल में ना जाने कितने सपने सजाकर पायल वैभव की दुल्हन बनकर उसके साथ गई थी और हर नई दुल्हन की तरह वैभव की सेज सजाकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तो एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। वैभव ने कितनी बेरहमी से पायल को घर से बाहर निकाल दिया था और पायल को वैभव से ऐसे व्यवहार की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे रात के अंधेरे में ही घर से बाहर निकाल देगा। जो भी गलतफहमी उन दोनों के बीच थी वो दोनों उसे मिलजुल कर सुलझा सकते थे, लेकिन वैभव ने ऐसा करना भी जरूरी नहीं समझा। पायल को वैभव की इस घटिया हरकत और सोच पर बहुत दुख भी हुआ, लेकिन अब तो वो पछता भी रही थी कि उसने वैभव जैसे घटिया इंसान को अपना जीवन साथी चुना था। पायल लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आ गई, क्योंकि पायल ने अपनी माँ के कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं थी। पायल ने सोचा, आज तो माँ चैन की नींद सो रही होंगी, ये सोच कर कि आज तो उनकी बेटी के जीवन की नई शुरुआत हुई है। पायल को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वैभव और उसकी माँ ने उसे बदसूरत क्यों कहा था। यही सोचते हुए पायल अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई, और जब पायल ने खुद को आईने में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि आईने में तो एक बहुत ही काली लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर बहुत ही खराब मेकअप किया गया था, और इस अजीब और खराब मेकअप की वजह से पायल और भी ज्यादा भयानक और बदसूरत लग रही थी, क्योंकि पायल के पूरे काले चेहरे पर उसकी लिपस्टिक फैल चुकी थी जिससे वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो समझ गई थी कि ये सब उसकी माँ ने ही किया है और उन्होंने ही पायल के साथ ये घिनौना खेल खेला है, और शायद यही वजह थी कि पायल की माँ पायल को आईने में देखने से मना कर रही थी और उसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो अपना चेहरा अपने पति के अलावा किसी को भी ना दिखाए। लेकिन पायल की माँ ने ऐसा क्यों किया था ये बात अभी भी पायल की समझ से बाहर थी। पायल का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और पायल अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने पायल के साथ ये घिनौना खेल क्यों खेला था, और यही वजह जानने के लिए पायल गुस्से में अपनी माँ के कमरे में चली गई, और जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे में पहुँची तो उसने देखा कि उसकी माँ तो खुद दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये सब देखकर तो पायल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है और अब वो एक सांस भी नहीं ले पाएगी। पायल की माँ ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और ब्रांड मेकअप करने के साथ साथ वो ढेर सारे गहनों से लदी हुई थी। पायल तो अपनी माँ को इस तरह से देखकर गुस्से की हालत में भी वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी, और फिर पायल ने आगे बढ़कर अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। लेकिन पायल की माँ तो अपनी ही धुन में मग्न दुल्हन की तरह सजी हुई थी और साथ ही साथ गाना गुनगुनाते हुए नाच भी रही थी और बहुत खुश भी दिख रही थी। पायल को अपने सामने देखकर पायल की माँ कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पायल तो सदमे में खड़ी अपनी माँ को देख रही थी
और फिर वो जल्दी से नीचे झुकी और जमीन पर गिरी। अपनी माँ को झिंझोड़ते हुए चीख चीख कर कहने लगी, माँ उठो और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दो कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। पायल की चीखें सुनकर पायल की दोनों बहनें भी जाग गईं और वो दोनों भी अपनी माँ के कमरे में भागी चली आईं। और फिर अपने सामने का नजारा देखकर पायल की दोनों बहनें भी हैरान परेशान होकर वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। पायल की दोनों बहनों में से एक तान्या आगे बढ़ी और उसने जल्दी से अपनी माँ के गहने उतारे और उनके चेहरे से मेकअप हटा दिया, जबकि पायल की दूसरी बहन मान्या पायल के पास आकर उसके चेहरे से उसका काला और बिखरा हुआ मेकअप साफ करने लगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई और फिर पायल और उसकी दोनों बहनें अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गईं। डॉक्टर ने जब पायल को बताया कि उसकी माँ कोमा में चली गई है तो ये खबर सुनते ही पायल का सिर चकराने लगा और फिर अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर जब पायल को होश आया तब वो खुद भी अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। पायल को होश में आते देखकर पायल की दोनों बहनें उससे लिपट गईं और रोते हुए कहने लगी, दीदी हम तो आपकी छोटी बहनें हैं, अगर आप भी इस तरह से टूट गईं तो हमें कौन संभालेगा। माँ तो पहले से ही कोमा में हैं और अब अगर आप भी इस तरह से बीमार पड़ गईं तो हमारा सहारा कौन बनेगा और कौन हमारा ख्याल रखेगा भला। पायल का दिल तो कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर दे, लेकिन उसे अपनी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत जुटानी पड़ी क्योंकि पायल अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। पायल बिस्तर से उठकर बैठ तो गई लेकिन बार बार उसके दिमाग में वैभव का ही ख्याल आ रहा था कि वो सिर्फ एक बार वैभव के सामने जाकर खड़ी हो जाए और उससे कहे कि देखो वैभव, ये है मेरा असली चेहरा, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुने बिना ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। क्या यही था तुम्हारा सच्चा प्यार जिसके झूठे वादे तुम शादी से पहले किया करते थे। बेचारी पायल तो खुद को कितना खुशकिस्मत समझती थी जब वैभव फोन पर उससे अपने प्यार का इजहार करता था और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था और कहता था, पायल मैं तो तुम्हारी एक झलक देखकर ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है मेरा दिल करता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। और वैभव की ऐसी बातों पर पायल मुस्कुरा देती थी, लेकिन आज उसी वैभव ने पायल का दिल तोड़ दिया था। और इसका मतलब तो साफ था कि वैभव का प्यार सिर्फ एक दिखावा था, वो पायल को दिल से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। वैभव के इसी दिखावे के प्यार ने कुछ ही पलों में पायल के प्यार और आत्मसम्मान को इस हद तक ठेस पहुंचाई थी कि अब पायल की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। पायल ने खुद को संभाला और उठकर अपनी माँ के पास आ गई जो इस दुनिया से बेखबर चैन की नींद सो रही थी। पायल अपनी माँ के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, माँ मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका ख्याल रखूंगी और हर पल आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी या प्यार है और न ही इसलिए कि मुझे आपकी चिंता है, बल्कि इसलिए कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद अब मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है, क्योंकि आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं तो आपका सिर्फ इसलिए ख्याल रखना चाहती हूँ ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और मुझे ये बता सकें कि आपने मुझे मेरे कौन से गुनाहों की सजा दी है। इतना कहकर पायल अपनी माँ के कमरे से बाहर आ गई। तब पायल की छोटी बहनें तान्या और मान्या पायल से पूछने लगी, दीदी आपकी तो कल ही शादी हुई है तो फिर आप इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने ससुराल में जीजू के साथ होना चाहिए था ना। पायल ने अपनी बहनों से कुछ भी नहीं छिपाया और उन्हें साफ साफ बता दिया कि वैभव ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और शायद कुछ ही दिनों में वो पायल को तलाक का नोटिस भी भेज देगा। पायल की दोनों बहनें तो हैरान होकर पायल को ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें पायल की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
जब पायल की बहनों ने पायल से तलाक का कारण पूछा तो पायल ने अपनी बहनों से कहा कि इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यह कारण तो सिर्फ माँ ही जानती हैं। इसलिए तुम दोनों बस प्रार्थना करो कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पायल की बात सुनकर उसकी बहनें उसे गले लगाकर काफी देर तक रोती रहीं, लेकिन पायल के तो आंसू भी सूख चुके थे। पायल की माँ को कोमा में गए हुए अभी तो 3 दिन ही हुए थे कि वैभव ने पायल को तलाक का नोटिस भेज दिया था। पायल ने भी बिना किसी झिझक के तलाक के नोटिस पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि पायल के दिल में अब वैभव के लिए कोई जज्बात या कोई प्यार बाकी नहीं बचा था। पायल के दिल में तो अब किसी के लिए भी प्यार और जज्बातों की कोई जगह नहीं बची थी। पायल ने घर और अस्पताल का सारा काम अकेले ही संभाल लिया था और उसने अपनी दोनों बहनों से कह दिया था कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं अकेले ही माँ और घर दोनों का ख्याल रख लूंगी। पायल की माँ को कोमा में गए हुए 1 सप्ताह बीत चुका था और पायल ने अपनी माँ के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पायल ने जब इस बारे में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने पायल से कहा, पायल जी, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी माँ के सिर से कोई भारी बोझ उतर गया है और अब वो ठीक होना ही नहीं चाहती हैं। उन्होंने तो खुद को मानसिक रूप से मौत के लिए ऐसे तैयार कर लिया है जैसे उन्होंने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया हो और अब उनके पास जीने का कोई कारण बाकी ही ना बचा हो। पायल ने बड़े अविश्वास से डॉक्टर की बात सुनी और फिर सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे नर्क में धकेलने के बाद मेरी माँ खुद इतनी चैन की नींद सो जाए। पायल ने तभी फैसला कर लिया कि जब तक उसकी माँ उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे देती तब तक वो जी जान से अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी। पायल ने अपनी माँ से पार्लर का काम सीखा हुआ था, इसलिए अब अपनी माँ की गैर मौजूदगी में घर का खर्च चलाने के लिए पायल ने अपनी माँ का पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। पायल की माँ की सभी महिला ग्राहक पायल के काम से खुश थी, इसलिए पायल को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। पायल अपनी दोनों बहनें तान्या और मान्या का भी अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन पायल खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी। पायल पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से ही पूछती रहती थी कि आखिर माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि माँ तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तो फिर उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया और अब मुझे इतने दुख और दर्द में धकेलने के बाद वो इतनी चैन की नींद कैसे सो सकती हैं। लेकिन अब तो पायल ने भी अपनी माँ का चैन छीनने का फैसला कर लिया था, इसलिए पायल हर रोज अपनी माँ के पास जाकर 1 घंटा बैठती और इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन पायल ने अपनी माँ से कहा, माँ, तान्या और मान्या के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है और दोनों का रिश्ता एक ही घर से आया है। दोनों भाई बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे खाते पीते परिवार से हैं। मेरी दोनों बहनें एक साथ ही रहेंगी और बहुत खुश रहेंगी, लेकिन क्या आप जानती हैं माँ कि मैं उन दोनों के साथ भी ठीक वैसा ही करूँगी जैसा कि आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का मेकअप भी ठीक वैसे ही करूँगी जैसा कि आपने मेरा किया था। अब पायल रोज अपनी माँ के पास जाती और कभी उनसे कहती कि उसने अपनी दोनों बहनों की शादी तय कर दी है, तो कभी कहती कि कुछ ही दिनों में वो अपनी दोनों बहनों की शादी करवाने वाली है, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की ही शादी होगी। आप देखना माँ, जैसे मैं अपनी शादी की पहली रात रोती बिलखती घर वापस आई थी, वैसे ही तान्या और मान्या भी अपनी शादी की पहली रात ही बर्बादी की हालत में घर वापस आएंगी। माँ, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, सोच समझ कर ही किया होगा, इसलिए अब मुझे भी तान्या और मान्या के साथ ठीक वैसा ही करना होगा, क्योंकि ये तो आपका ही दिखाया रास्ता है जिस पर मैं चल रही हूँ। पायल अपनी माँ को मानसिक रूप से परेशान करना चाहती थी,
ताकि वो धीरे धीरे अपनी माँ को जिंदगी की तरफ ले आए और उसकी माँ होश में आ जाए। पायल अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने पायल से कहा था कि उसकी माँ की हालत में काफी सुधार हो रहा है और अब वो धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रही है और पायल यही तो चाहती थी। और फिर ऐसे ही 2 महीने कोमा में रहने के बाद एक दिन पायल की माँ को होश आ गया था। उस दिन पायल को अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया और डॉक्टर ने पायल से कहा, पायल जी, आपकी माँ बेहोशी की हालत में सिर्फ आपको ही पुकार रही हैं, आप जल्दी से आकर उनसे मिल लीजिए। अपनी माँ के होश में आने की खबर सुनकर पायल की आंखों से अपने आप ही आंसू निकल आए थे, लेकिन ये आंसू ना तो खुशी के थे और ना ही गम के थे, बल्कि ये आंसू तो उस दर्द के थे जो पायल ने पिछले 2 महीनों में झेला था। पायल जब अस्पताल पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, पायल बेटा, देख मैं ठीक होने लगी हूँ, कुछ दिन और रुक जा बेटी, फिर अपनी बहनों की शादी कर लेना, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटियों की शादी में शामिल होना है। तब पायल ने अपनी माँ से कहा, माँ, 2 दिन बाद तान्या और मान्या की बारात आने वाली है और अब तो शादी के कार्ड भी बन चुके हैं, अब मैं इस शादी को कैसे टाल सकती हूँ। आप चिंता ना करें माँ, मैं अपनी दोनों बहनों को आपकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगी और परिवार की परंपरा के अनुसार उन दोनों का भी ठीक वैसा ही मेकअप करूंगी जैसा कि आपने मेरा किया था। पायल की बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगी, लेकिन पायल अपनी माँ से बिना कुछ कहे ही उठकर बाहर आ गई। पीछे से पायल की माँ पायल को पायल पायल कहकर पुकारती रही, लेकिन पायल उन्हें नजरअंदाज करके घर निकल आई थी। 2 दिनों तक पायल अपनी माँ के साथ इसी तरह का खेल खेलती रही और फिर 3रे दिन पायल की माँ ने रोते हुए पायल के सामने हाथ जोड़ लिए। उस दिन पायल की माँ की तबीयत भी काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए पायल ने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ, आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना, तो फिर आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, आज मैं सब कुछ सच सच जानना चाहती हूँ। तब पायल की माँ रोते हुए कहने लगी, पायल बेटा, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, तब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर पायल की माँ ने कहा, पायल, ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही खराब थी। जब मेरी उम्र 7 साल की थी तब बचपन में ही मेरी शादी तय हो चुकी थी। मेरे पापा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपने बेटे के लिए बचपन में ही मेरा हाथ मांग लिया था। मैं बचपन से ही सुनती आई थी कि सुधा तो सिर्फ और सिर्फ अरु की है, और अरु का नाम सुनते ही मेरे दिल में अरु के लिए प्यार पैदा होना ये तो एक नेचुरल सी बात थी, क्योंकि पूरे परिवार में यह बात फैल गई थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी अरु के साथ कर दी जाएगी। मैं हमेशा बड़ों से यही सब सुनती आई थी और इसीलिए बचपन से ही मेरे दिल में अरु के लिए प्यार पनपने लगा था। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल पर अरु ही अरु छाने लगा था। अरु और मैं बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और बचपन में ही हमारा रिश्ता तय होने की वजह से शायद अरु के मन में भी मेरे लिए प्यार पैदा हो गया था, क्योंकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे से अपनी हर बात भी शेयर करते थे। और फिर बीकॉम पास करने के बाद अरु आगे की मास्टर्स की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया। अरु ने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, लेकिन 1 महीने में ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि अरु बदल गया है, क्योंकि अब वो मुझसे दूरियां बनाने लगा था। शुरू शुरू में तो वो मुझसे फोन पर खूब सारी बातें करता था, लेकिन फिर उसने फोन करना बंद कर दिया था। उन दिनों में सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो मुझे घर के लैंडलाइन नंबर पर ही कॉल करता था। अरु के कनाडा जाने के बाद फोन की हर घंटी पर मेरा दिल धड़कने लगता था, ये सोच कर कि शायद अरु का कॉल आया होगा। मैं हर बार भागकर फोन उठाने जाती थी, लेकिन अरु को तो अब मेरे किसी भी जज्बात से कोई मतलब नहीं था। खैर, समय ऐसे ही बीतता रहा और फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई
और मैंने पार्लर का काम भी सीख लिया। ये 2 साल मैंने बहुत दर्द में बिताए थे, लेकिन समय का तो यही नियम है कि मुश्किल से मुश्किल समय भी बीत ही जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मुश्किल समय तो अब शुरू होने वाला था। अरुण जब कनाडा से वापस लौटा तो मुझे उसकी आंखों में अपने लिए कोई प्यार नहीं दिखता था। वो हर वक्त मुझसे नजरें चुरा लेता था। और फिर एक दिन अरुण ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तब तो मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये सारे मेरे मन के भ्रम थे, जो मैं ये सोचने लगी थी कि अरु मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करने लगा है। मैं तो सज धज कर अरु की फेवरेट ड्रेस पहनकर उससे मिलने चली गई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, तब अरु ने मेरे हाथों में मेरी सगाई की अंगूठी थमा दी, जो मैंने उसे उसके कनाडा जाने से पहले पहनाई थी। उस दिन अरु ने मुझसे कहा, सुधा, अब मैं इस सगाई को और आगे नहीं बढ़ा सकता और न ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। अरु की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे वो सारे भ्रम हकीकत में बदल जाएंगे। ये जानते हुए भी कि अरु अब किसी और लड़की से प्यार करने लगा था, मेरा पागल दिल उसे भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मैंने अपनी तरफ से अरु को मनाने की एक और कोशिश की और उससे कहा, अरु मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और ये प्यार कोई 1-2 दिन का या साल भर का नहीं है। तुम तो मेरा बचपन का प्यार हो, तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो अरु, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि अरु पर ना तो मेरी बातों का कोई असर हो रहा था और ना ही उसे मेरे आंसुओं से कोई फर्क पड़ रहा था। तब मैंने उससे पूछा, अरु क्या मेरा इतने सालों का प्यार उस विदेशी लड़की के प्यार के सामने छोटा पड़ गया है? क्या वो लड़की तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है? शक तो मुझे पहले से ही था कि अरु अब बदल गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जरूर उसे किसी विदेशी लड़की से प्यार हो गया होगा। लेकिन जब अरु ने उस लड़की का नाम लिया जिससे वो प्यार करने लगा था, वो नाम सुनकर तो मानो जैसे मेरे सिर पर आसमान ही गिर पड़ा था। अरु ने कहा, सुधा मैं किसी विदेशी लड़की से नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन जया से शादी करना चाहता हूँ। कनाडा जाने से पहले ही मुझे जया से प्यार हो गया था और ये तब से ही शुरू हो गया था जब मैं तुमसे मिलने कभी कभी तुम्हारे घर आता था। तब जया और मैं कभी कभी एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे और फिर पता नहीं कब ये हंसी मजाक प्यार में बदल गया। इतना कहकर अरु मुझसे नजरें चुराकर वापस लौट गया था, लेकिन मैं तो पत्थर बनी कितनी देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे दिल में नफरत और गुस्से का तूफान उभर आया था और मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी अपनी बहन ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। इसी नफरत और गुस्से के साथ मैं घर पहुंची और घर आते ही मैंने जया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। और फिर जब मैंने जया से पूछा कि तुझे उजाड़ने के लिए सिर्फ मेरी ही जिंदगी मिली थी क्या, तब जया ने कहा, दीदी मैं भी ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्यार पर किसका बस चलता है, प्यार तो बस हो जाता है। और फिर जब पापा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने उन दोनों की शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब अरु ने अपनी जान देने की धमकी दी तो उसके पापा हाथ जोड़े अपने बेटे के लिए जया का हाथ मांगने आए थे और फिर इतने सालों की दोस्ती के चलते पापा को भी हाँ करनी पड़ी थी। अब जब हर कोई इस शादी के लिए तैयार था, इसलिए मैंने भी इस बात पर चुप्पी साध ली और इस तरह अरु और जया की शादी हो गई। एक तरफ अरु और जया अपना खुशहाल जीवन बिता रहे थे तो वहीं दूसरी ओर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। और फिर एक दिन जब खबर मिली कि जया माँ बनने वाली है तो हर किसी ने जया को माफ कर दिया और खुशी खुशी उसके साथ उसकी खुशी में शामिल हो गए थे। मैं अपनी बहन से नाराज जरूर थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। लेकिन शायद कुदरत से मेरा दर्द देखा नहीं गया जो अरु और जया ने मिलकर मुझे दिया था।
लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के भी आंसुओं की कीमत हमें इसी जन्म में चुकानी पड़ती है, और शायद जया को भी मेरे उन आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ी थी जब वो अपनी बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। अरु के पापा नहीं चाहते थे कि जया और अरु की नन्ही सी बच्ची एक सौतेली माँ के हाथों में पले बढ़े, इसलिए वो फिर से एक बार अरु के लिए मेरा हाथ मांगने मेरे पापा के पास आए थे, क्योंकि अरु के पापा का मानना था कि मासी तो माँ जैसी होती है और उस बच्ची को उसकी मासी से ज्यादा प्यार और कोई नहीं दे सकता था। और फिर मेरा अरु से रिश्ता टूटने के बाद मुझे कोई भी अपने घर की बहू बनाने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए पापा ने मेरे और अरु के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस तरह से मैं अरु की दुल्हन तो बन गई, लेकिन अरु शादी के बाद मुझसे बात तक नहीं करता था, जबकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने उसकी बच्ची को एक माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरु को हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं उसकी बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार करती हूँ। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अरु ने मुझसे रिश्ता जरूर बनाया था, और उसी रिश्ते के फलस्वरूप भगवान ने मेरी झोली में मेरी दोनों जुड़वा बेटियां डाल दी थी। और फिर एक दिन जया की बेटी खेलते खेलते गिर गई, तो अरु ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा, सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही रहती है, चाहे फिर वो उसकी सगी मासी ही क्यों ना हो। बस उस दिन के बाद मुझे अरु के साथ साथ उस बच्ची से भी नफरत हो गई थी, और वैसे भी शायद अरु मेरी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद जब पायल की माँ चुप हो गईं, तो पायल ने उनसे पूछा, माँ ये अरु कौन था? तब पायल की माँ ने कहा, अरु तुम्हारे पापा अरविंद थे, जिन्हें हमारा पूरा परिवार अरु कहकर बुलाता था, लेकिन शादी के बाद मैंने कभी उसे अरु कहकर नहीं बुलाया था, क्योंकि अरु नाम सुनते ही मुझे उसकी बेवफाई याद आ जाती थी। अपनी माँ की ये बात सुनकर पायल हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखने लगी और कहने लगी, लेकिन माँ इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सजा आपने मुझे क्यों दी? तब पायल की माँ ने कहा, क्योंकि तुम मेरी नहीं बल्कि जया की बेटी हो, वो जया जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। अपनी माँ की यह बात सुनकर तो पायल को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल की धड़कनें वहीं थम गई थी और किसी ने उससे उसकी सांसें ही छीन ली थी। पायल को तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत उसके सामने बैठी हुई थी वो उसकी माँ थी ही नहीं, बल्कि उसकी माँ तो वो जया थी, जिसे पायल ना तो जानती थी और ना ही आज तक कभी उसका जिक्र सुना था और ना कभी उसकी तस्वीर देखी थी। पायल ने तो बचपन से ही सुधा को ही अपनी सगी माँ माना था जो फिलहाल उसके सामने बैठी हुई थी, लेकिन अपना बदला लेने के बाद भी सुधा की आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे, ये सवाल जब पायल ने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं अपना बदला लेने के बाद भी खुश नहीं हूँ, मुझे अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने अपने बदले की आग में अपनी ममता का गला घोंट दिया है। पायल तुम तो मेरी अपनी बेटी थी ना, जिसे पूरे 3 साल तक मैं अपनी गोद में उठाए फिरती रही और जिसे आज तक मैंने अपनी सगी बेटियों से भी बढ़कर प्यार किया था, तो फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए पायल की माँ रोने लगी और पायल के पैरों में गिरकर पायल से माफी मांगने लगी, तो पायल ने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और बिस्तर पर बिठा दिया। पायल ने अपनी माँ की आंखों से आंसू साफ किए और उनसे कहा, माँ आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो मुझे बचपन से ही हमेशा अपनी सगी बेटियों से भी बढ़कर प्यार दिया है और मुझे आज तक ये भी महसूस नहीं होने दिया कि मैंने आपकी कोख से नहीं बल्कि किसी और की कोख से जन्म लिया है। हाँ ये बात जरूर है कि आपने ये सब इसलिए किया हो ताकि सही समय आने पर आप अपना बदला ले सकें, लेकिन माँ मैं तो आज भी आपसे इसी प्यार की उम्मीद रखती हूँ, हाँ फर्क बस इतना होगा कि अब इस प्यार में कोई साजिश कोई बदले की भावना ना हो और इस प्यार में बस मेरी माँ की ममता मिली हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
पायल की यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने पायल को सच्चे दिल से अपने सीने से लगा लिया और फिर वो कहने लगी, जया आज मैं तेरे सारे गुनाह माफ करती हूँ क्योंकि आज सिर्फ तेरी वजह से ही मुझे पायल जैसी बेटी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सुनकर पायल की आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि आज पायल की अच्छाइयों की वजह से शायद जया की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी, क्योंकि जया ने अपनी बहन सुधा के साथ बहुत गलत किया था। जब उसे पता था कि सुधा और अरु का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका है तो उसे अपने कदम अरु की तरफ बढ़ाने ही नहीं चाहिए थे, और अगर अरु ने जया की तरफ कदम बढ़ाने की पहल की थी तो जया को उसी समय अरु को रोक देना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके कि वो अरु को रोकती, जया ने तो अपने दिल में भी अरु के प्यार को पनपने दिया था। लेकिन आज पायल की वजह से जया को माफी मिल चुकी थी और पायल को भी अपनी माँ का प्यार वापस मिल गया था। शायद आज पहली बार पायल की सुधा माँ ने उसे सच्चे दिल से गले लगाया था और पायल ने भी अपनी माँ की सारी बीती बातों को भुला दिया था। और फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जब पायल अपनी माँ को घर ले आई तब उसकी माँ ये देखकर हैरान रह गई कि घर में तो शादी वाला कोई माहौल था ही नहीं। तब पायल ने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी कि उसने तो बस अपनी माँ को ठीक करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया था। और फिर पायल ने अपनी माँ को ये भी बताया कि तान्या और मान्या के लिए तो अभी तक कोई रिश्ता आया ही नहीं है। ये सुनकर तो पायल की माँ की जान में जान आ गई और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन ये सब बताते हुए पायल को अपनी माँ से भी ज्यादा खुशी हुई थी कि उसने अपनी बहनों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ महीनों बाद पायल की माँ ने पायल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तलाश किया और बड़ी धूमधाम से राजीव के साथ पायल की शादी करवा दी। इस बार भी पायल ने अपनी माँ के हाथों से ही तैयार होने की जिद रखी थी, लेकिन इस बार पायल की माँ ने पायल को ऐसा तैयार किया था कि उसके सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी पड़ जाती। और शादी की पहली रात पायल की ऐसी खूबसूरती को देखकर राजीव तो उसका ऐसा दीवाना बन गया था कि जब कभी पायल कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती तो वो भी दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे अपने ससुराल चला आता था। और यह सब देखकर पायल की माँ के दिल को बहुत सुकून मिलता था क्योंकि अब वो पायल को सच में अपनी सगी बेटियों से भी बढ़कर प्यार करने लगी थी, और इस बार उनके प्यार में कोई भी धोखा या कोई भी फरेब नहीं था बल्कि एक सच्ची माँ की ममता छिपी हुई थी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि गलती कभी इतनी बड़ी भी मत करो कि खुद से ही नजरें ना मिला सको, और अगर कभी ऐसी गलती हो भी जाए तो फिर उसे इस तरह से सुधारो कि सामने वाले को जिंदगी में कभी यह एहसास ही ना हो कि आपसे कभी ऐसी भी गलती हुई थी। पायल की माँ ने भी अपनी गलती को इसी तरह से सुधारा था कि आज पायल को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी माँ ने उसके साथ कभी कुछ गलत भी किया था, और ये पायल की अच्छाइयों का ही फल था जो उसे राजीव जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला था। पायल के लिए राजीव से अच्छा जीवन साथी तो और कोई हो ही नहीं सकता था क्योंकि राजीव पायल से बहुत प्यार करता था, और राजीव जैसा प्यार करने वाला पति पाकर आज पायल भी बहुत खुश थी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।